दिन सुखिया नाम का आदमी हर दिन की तरह कूड़े के ढेर से कूड़ा उठा रहा था और फिर काम करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही वो जाने वाला था कि अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। कूड़े के ढेर में किसी बच्चे की रोने की आवाज, ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बुबू, लगता है बेचारी बोल नहीं सकती, शायद इसलिए कोई इसे छोड़ गया होगा। कैसा जमाना आ गया है, तुम मेरे साथ चलोगी? बुबू चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन माँ से क्या कहूँगा, वो सब मैं बाद में देख लूंगा, पहले इसे घर ले जाता हूँ। अरे सुखिया, ये किसकी बच्ची है और तू इसे क्यों ले आया है? माँ, बेचारी का कोई नहीं है और ना ही बोल पाती है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। देखिए ना कितनी मासूम है। अरे बेटा, मासूमियत से घर नहीं चलता, जा, जहाँ से मिली है वहीं जाकर छोड़ दे। अरे अरे छोड़ छोड़, पता नहीं क्या बोल रही है। रहने दीजिए ना माँ जी, देखिए ना कितनी प्यारी है, क्यों ना हम इसे प्यारी बुलाएं? अरे इतना ही शौक है तो पैदा क्यों नहीं कर लेती? माँ बस बहुत हुआ, आज से प्यारी यहीं रहेगी। ठीक है, जो करना है कर, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। माला, माँ की बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। वैसे प्यारी लड़की के लिए प्यारा सा नाम तो होना चाहिए ना, है ना प्यारी? भू, भू, भू? माला मुझे भूख लगी है, सबके लिए खाना लगा दो। जी। तुम भी खाने बैठ जाओ। नहीं, आप लोग खाइए, उसके बाद मैं खा लूंगी। अच्छा आप लोग खाना खा लीजिए, मैं तब तक बिस्तर लगा देती हूँ। बिस्तर लगा हुआ है, आप लोग सो जाइए, मैं खाना खा लेती हूँ। मेरी कमर, अरे बहू ये लड़की कहाँ सोएगी? हमारे साथ और कहाँ। अरे बेटा ये क्या बोल रही है? माँ आपको शायद गोद में लेने के लिए बोल रही है। अरे बाप रे, मेरी कमर तो पहले से ही दर्द के मारे झुकी हुई है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो चली सोने। लगता है सब सो गए हैं, इससे पहले मुझे कोई देख ले पानी पीकर पेट भर लेती हूँ। अरे बर्तन तो खाली था, फिर ये खाना, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। खैर भूख लगी है, खा लेती हूँ। आज से मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, अब घर में एक बच्ची भी है, उसे पढ़ाना भी तो है, मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर ये सब होगा कैसे? बक्सा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? खोल कर देखता हूं। अरे ये तो खजाना है, पर ये किसका हो सकता है? पर यहां तो कोई नहीं है। ठीक है मैं इसे घर ही ले जाता हूं। माला, माँ, अरे कहां हो तुम सब, जल्दी आओ। अरे आज क्या मिल गया है तुझे जो इतना चिल्ला रहा है? माँ जी ये तो एक बक्सा लाए हैं। हाँ है क्या इसमें? ये देखिए मुझे क्या मिला है। ये तो खजाना है,
लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? वही जहाँ कल प्यारी मिली थी। प्यारी? आप सुन रहे हैं? मुझे लगता है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। कल आप लोगों के खाने के बाद खाना नहीं बचा था। मैं सोच रही थी कि मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं रसोई में गई तो देखती हूँ वहाँ खाना रखा हुआ था और आपको हीरे मोतियों से भरा हुआ ये बक्सा मिला। तुम सही कह रही हो। अरे क्या सही कह रही है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब सुखिया की किस्मत में था और कुछ नहीं। इसके बाद सुखिया खजाने में से कुछ हीरे मोती बेचकर गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है और वो गरीबों की मदद भी करने लगता है। उसने बड़ा सुंदर घर बनवाया था। सुखिया और माला दोनों खुश थे, लेकिन माँ खुश नहीं थी। बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ। देख बेटा, अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाला हमारा वारिस। मैं तुझसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी। तो बस अब जल्दी से दूसरी शादी कर ले, ताकि मरने से पहले अपने पोते का मुंह देख कर मरूँ मैं। माँ आप ये क्या कह रही है? हमारे पास प्यारी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या वो अनाथ जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे? मैं इस बार तेरी एक नहीं सुनूंगी, ये मैं कह दे रही हूँ। माला 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 हाँ? क्या हो गया बहू को? पता नहीं माँ। माँ आप माला का ध्यान रखिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ है, सब ठीक तो है? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम बाप। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि माला कभी भी माँ नहीं बन सकती है। हाँ ये बात भी सच है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल ये सब छोड़ो और खुशियां मनाओ। माँ आपने सुना? हाँ बेटा सब सुना, अब तो दादी बनने वाली हूँ। क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हाँ, और डॉक्टर ने कहा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार? मुझे पता है ये चमत्कार किसने किया है। ये चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि प्यारी ने किया है। प्यारी जब से इस घर में आई है तब से हमारे बिना मांगे ही सब मिल रहा है। प्यारी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अरे बहू ये छोटी सी बच्ची कैसे वरदान हो सकती है? नहीं माँ माला सही कह रही है। हाँ मुझे नहीं लगता। बू, बू। अरे अब क्या चाहिए इसे? माँ जी प्यारी जब से इस घर में आई है आपकी गोद में चढ़ना चाहती है। अगर आप एक बार? क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा। माँ एक बार गोद में ले लीजिए ना, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है। अरे बेटा मेरी कमर तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये देख मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ। मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ। तुम लोगों ने सही कहा था, ये तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। मुझे माफ करना प्यारी, माफ करना मुझे। रोना बंद करो दादी। प्यारी तू बोल सकती है? हाँ बोल सकती हूँ। दादी आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं कोई वरदान नहीं हूँ, वरदान तो आप लोग हैं मेरे लिए। प्यारी बेटी हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ प्यारी बताती हूँ, आज से कुछ महीने पहले एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी माँ मौत से लड़ रही थी। तब सुखिया चाचू उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गए और अपना खून देकर उसकी जान बचाए थे। हाँ लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो?
क्योंकि वो छोटी बच्ची मैं ही थी और वो मेरी माँ थी जिसकी जान आपने बचाई थी। क्या इसका मतलब तुम? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ चाचू, मैं तो एक आत्मा हूँ और मैंने जो भी किया वो आपके सामने कुछ नहीं है। आप लोग रोना नहीं, अब सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आप लोग मुझसे वादा कीजिए आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है प्यारी, हम नहीं रोएंगे, हम वादा करते हैं। हाँ बेटी। दादी आप कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ प्यारी, काश तेरी जगह भगवान मुझे ले जाते। तुम मत जा बेटी, मत जा। दादी अपने आप को संभालिए दादी, वरना मैं आपको ऐसे दुखी छोड़कर नहीं जा सकती दादी। ठीक है, जा बेटी जा, जहाँ भी रहना खुश रहना। कुछ ही देर में प्यारी सबसे अनुमति लेकर चली जाती है।